से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस टाइम सुबह के बज चुके हैं 9:15 जब मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अब नहा धो लिए, तैयार हो गए हैं, रेडी, साफ सफाई लग रही है भाभी कर रहे हैं, वरना कुछ कराया ही नहीं है। मैं 2 दिन तक आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग, सारे जने ले लो, है कि बच्चा ने सारा सामान, सारा दिन कितनी है सफाई कर लो बच्चा के सामने, तो यूं फैला दे हैं, एक बैठावेंगे एक पे गिर जाएंगे। आज हो रही पूरी ठंड, तो मैंने पहले कैप पहन ली, खांसी जुकाम पूरा हो रहा है। और दिखाते अब और क्या कर रहे हैं बाकी। इधर ही आए ना, पूजा पाठ भुगतते हैं सारा, तो पहले ना नू ली थी सात बजे नहा ली थी पूजा पाठ करके, अरे कर रहे हैं यहाँ पे खाने की तैयारी। ये खेलने की तैयारी कर रहे हैं बच्चा पार्टी, बच्चे सो रहे हैं, बड़ा बच्चा भी सो रहा है। कराटे सुबह जिम में जाओ बखत उठ के, ये बाग सोया है। और अब दिखाते हैं आज का मौसम कैसा हो रहा है। आज तो ठंड ज़्यादा हो रही है, आप लोगों के यहाँ पे कैसी है देखो। और बच्चा दूसरा बच्चा पार्टी देख लो के करण लग रहे हैं, इन्ना सब बालका ना इतना बहम हो रहा है, रोज इन डोगिया का घर बना हुए हैं, उधेड़े हैं पहाड़े हैं। ये तो छुट्टियाँ में बुल आया था, बुल गिरा के चला गया पूरा घर, ये तो सारे बाहर थे। अच्छा ले भाई, इनका खागड़ घर गिर गया पिल्लू रहेगा। अरे इनने सुते उठ के देखा कि ये बेचारे ठंड में हैं, तो लग रहे हैं देखो पूरी सेवा बाड़ी पर अपना डोगिया की, इन ठंड लगा है देख कैसे तरपाल तरपूल लगा के घर बढ़ा के, अरे नीचे भी बोरी बारी बिछा रखी है। दिखा के करे हमें तेरे पुलू रे, आए बेचारे सर्दी में देख कैसे बैठे हैं। ओ ओ हेलो हेलो बोल दे, क्या नाम है इसका? रॉकी। दे पूछ ला रहा है भाई, ये हेलो बोल रहा है इसकी पूछ, परसों भी कर रहा था ये पूछ ला के हेलो। उसको मैं ऐसे भी नहीं, बाहर बंद भी है, ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, भीतरे आग उग बढ़ा के भीतरे खड़ी कर रखी साफ सफाई करके, ठंड लग जाएगी नहीं तो। देख लो पहुंच गया भाई रेडी, जाने के लिए है तैयार अपने काम पे। इस टाइम सुबह सुबह ये रोटी नहीं खाते, आ गए 2-3 घंटे बाद फिर खाओगे। बाय बाय। हेलो गाइस, देख मॉर्निंग, और ये देख हमारी दीदी जी आई हुई थी 2 दिन आओ भगत करी, और फिर लगा दी है काम पे खाना। मतलब गरम गरम खाना रेडी है, आओ सारे खा सकते हैं खाना। बिल्कुल, जो जल्दी खाता है जल्दी बढ़ गया है, लेट खाओगे एक बार और बढ़ेगा, जो अभी अभी खाओगे फिर मुर्गा बढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा बढ़ाओगे भाई और वापिस खाओगे जब लंच के लिए दिन में। दोपहर के बज के 11, खाना पीना सारा हो गया है, और भाभी लगा हुआ है पोचा, और बच्चे देख रहे हैं टीवी, मैं चालू। और कल एक लगाई थी 1-2 महीना के पोछा पोछा लगा दें, सर्दी ज़्यादा हो रही है और बच्चे भी घर पे हैं तो काम में टाइम नहीं लगता, काम ज़्यादा हो रहा था। एक कल ला के पोछा रहा तो आ जाइए नहीं, बताया भी नहीं, कल वह थक गई पर इतने बड़े घर का मेरे पे नहीं पोछा लगता ना, ना तो लाट के ना आई डर के भाग के, तो ये भी तो लगा है, ये दोनों मिलकर लगा हुआ है पोछा पोछा का। और
चल पड़े वो जावे पर सिलेट खेत में हरियो ही बनाया है कर ले एक बार फटाफट कल करवाते हैं फिर आपको हाउस टूर दिखाते हैं पूरा घर का लोग पूरा घर का करवाते हैं मेरा वाला घर तो देख लिया अब यहाँ का मायके का करवाते हैं मेरे वाले घर का वैसे हाउस टूर नहीं करवाया मैंने लेकिन ये कि रोज काम करते दिखे तो पता है कि कहाँ क्या है बच्चे कर रहे हैं हेलो सभी को दोपहर के बज गए हैं 12:30 लगे और अभी हमने चाय चुए पी है सारा काम कुम करके और बच्चे दोबारा तो स्टार्ट हो गए हैं एक बार उठा लिए थे काम करने लग रही थी दृष्टि और एक बार ही उठाई थी बस अब दोबारा काम ही नहीं कर रही है स्कूल का बैठे हैं ये है रेस्ट टाइम टी टाइम भाई दोपहर का बज गया है एक और अब कर रहे हैं लंच की तैयारी बना रहे मूली के तंदूरी पराठे आ जाओ खा लो सारे और नुए चल सारा दिन रोटियां वाला काम तो ये फिर रोटी खाना है लंच करना है लाइट लुइट बंद करे बैठा है लोग नीचे सैले ज्यादा लग गया बेचारा ने और यहाँ देखो हाँ भाई यहाँ चल रही है पढ़ाई ये उसका कर रही है और ये इसका कर रही है अपना हॉलीडे होम वर्क कर रहे हैं मस्ती मस्ती होली बतेरे शाम के बज के है 5 और मेरी तो फेर हो गई है तबीयत फुल फुल खराब उल्टी सुलटी और खाली बैठे कुछ काम नहीं करा मैंने दो तीन दिन हो गए फ्री बैठी हूँ फिर भी हो गई फिर दर्द दोबारा से फिर शुरू हो गया पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है अब दो बच्चे पीन के ये लग रहे हैं खाना खाने देखो एक जे भी खाना बनाओ थी एक बच्चे दोबारा आए हैं खेल खेल के एक भी खाना बनाओ है साथ में साथ शाम के खाने की भी तैयारी हो रही है ये देखिए आया है ये हेलो करा है साथ में शाम की सब्जी भी चढ़ा दी बच्चे ये खेल गए थे उनका खाना भी बनाने लग रहे हैं जुगर मेरी प्रेस चल रहा है इनकी रसोई चल रहा है उनके बच्चे ने पता नहीं कब भूख लग जाए लेना पड़ा और चीजें खाने से तो बढ़िया है कि रोटी बना खा ले है जाड़े दे बच्चे की तो ये हरकत इस बिना टाइम पास भी नहीं हुआ लगे शाम के बज गए हैं 8:45 हो गए और तबीयत ऐसे चल रही है खाना पीना बना लिया बच्चे ने खा लिया है मैंने भी खा लिया है और खाने में क्या है रोटी है साथ में दूध है आज खा लो सारे ये देखिए हमारे बिग ब्रदर खाना बना रहे हैं सभी के लिए हेलो गाइस अच्छा अच्छा खाना बनाए जा रहे हैं सभी के लिए आइए आप लोग भी खा सकते हैं कल हमने इस समय से 1 घंटे पूर्व भी भोजन कर लिया था आज लेकिन हमने थोड़ा लेट खाना खाया दिन में 3 बजे के करीब तो उस वजह से हमने आज लेट पर ही चले दिया ये देख सकते हैं ये इस तरह से रोटियों को सजाया पकाया जा रहा है दूध रखा है ये वही इडली हुई मत सोचना ये रोटी को वो देखो ये एकदम गोल मटोल और प्यारी रोटी बनी है ये और ये उनमें शामिल हो गई तो रोटियां तो भाई बनाना है रोटियां भी एक जिम्मेवारी है
इसके लिए ही घूमता है सभी, सारा देश सबको पता है भाई खाना है, जाना है तो जाना है, जान के लिए तो खाना ही पड़ता है हम सबसे पहले। आओ भाई सभी खाना ऐसे खिला देंगे, थोड़ा बता बुतो क्या है भाई खाना ऐसा खिला देंगे, ये तो छोटा भाई है मेरा, ये तो खाते रहोगे आप सभी, सभी ऐसा खाना खिला देंगे कि भूल जाओगे घर की रोटियां। ये देखो जो सर्व हम करेंगे ना, वो और लोग जैसे दिखाते हैं बिल्कुल गोल रोटी बनाते हैं, वो मेरे को बताया वो कैसे बनती है गोल रोटी, वो मैं बना सकता हूँ। इसके ऊपर एक जैसे अपने कटोरी की शेप होती है एक बड़ी सी, वो उस बाउल्स को रख के और उसको गोल शेप में काट लेते हैं, लेकिन अपना ऐसे यहाँ कुछ नहीं है भाई, जो चीज है ओरिजिनल है। अब ये 90% तो गोल है ही भाई, अरे दुनिया तो खुद ही गोल माल है भाई। अब गोल रोटी है तो जैसी है तो ये तो भाई फिर अब ये आप देख सकते हैं, देखिए एक बार फोकस करिए, ये 95% तो गोल है ही, तो धरती भी इतनी गोल है, इससे शायद कमी है। अर्थ इज नॉट राउंड, सम साइंटिस्ट और रिसर्चर सेज दैट अबाउट अर्थ इज ओवल शेप, ओवल तो समझ गए ना, अंडा ये वाली शेप, ये अंडा, अंडा शेप मतलब एक इस तरह की है, मतलब धरती ऐसे। तो सभी इंजॉय करो अपनी लाइफ को भाई। अब कर लेते हैं थोड़ा सा अपना फेवरेट काम, ये बड़ा खाली बैठे बैठे भी बोरे हो जाए, बैठी बैठी जरूर समझ में आ रहा। और जो सारी हण काम करे ना उस पर नहीं बैठा जाता आग भाई, मैं के करे नहीं करे, आड आडी मसाला मांगा है मन ने तो कर ली प्रेस, बीच में लग गया तो दूसरा बंदा है। ए रख दे कार्तिक के साथ करते हैं प्रैंक, ये है नकली वाला साहब है। हाँ व्लॉग बना रही हूँ, क्या हो गया वो तो असली में डर गया प्रैंक हो गया इसके साथ पोपट हो गया, पोपट हो गया कार्तिक के साथ, पोपट हो गया। 8:30 का टाइम हो गया है, सबका खाना पीना सब फारिग हो गए हैं, काम कुम सारे करते हैं। और देखे आपने कार्तिक के साथ कैसा प्रैंक हो गया बैठे अब नहीं डर रहा, जब डर रहा था ये, चलो ठीक है बैठे आज के व्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना, और जो चैनल पे